दोस्तों आज हम यहाँ पे मैथ वन वीक सीरीज पार्ट एट पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है, थोड़ा बेसिक नॉलेज। देखिए विक्रय मूल्य जो बेचे जाने वाला मूल्य है वो विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो हम खरीदते हैं वो मूल्य क्रय मूल्य होता है, और लाभ और हानि आप जानते ही हो। इसके अलावा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये होता है कि जो आपका विक्रय मूल्य है या जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के अंदर कुछ प्रतिशत जोड़ दिया और वो प्रतिशत जोड़ कर बाद में जैसे मान लीजिए 10% लाभ पे, तो वो होता था जो विक्रय मूल्य करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, अगर 100 रुपये के ऊपर उसने 30 रुपये लाभ कर दिया और तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 130 रुपये हो जाएगा। फिर ये इसके ऊपर छूट दे सकता है, वो छूट अलग हो जाती है और उस पर छूट के बाद में जो बिकता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा लाभ लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लाभ का प्रतिशत है आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ऊपर लाभ लिख लेना है जितना भी फायदा हुआ है और गुणा में कर देना आपको 100। इसी प्रकार आपको लाभ निकालना है, तो ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा लाभ, लाभ प्रतिशत गुणा में आपकी यहाँ हो जाएगा ये क्रय मूल्य, इस तरफ आ जाएगा ये हो जाएगा क्रय मूल्य बट्टे में आपके आ जाएगा 100। इस प्रकार से ही यहाँ पे हानि हो जाएगी, ये भी आप कर लेंगे। इसके अलावा ये विक्रय मूल्य का सूत्र है, विक्रय मूल्य जब भी हम निकालते हैं किसी वस्तु का, आपके पास 100 उसमें से अगर हानि है तो माइनस करना है, अगर लाभ है तो आपको प्लस करना है और बट्टे में 100 लिखना है और गुणा में क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। इसी प्रकार ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आप देखिए क्रय मूल्य को अगर मैं इसी तरफ यहाँ रखूंगा तो ये इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 तो ऊपर आ जाएगा विक्रय मूल्य के और ये ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मूला, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। राहुल ने एक घोड़ा है वो 4000 रुपये में खरीदा और उसे 4600 रुपये में बेच दिया, तो उसे राहुल को इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सीधा सा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4600 रुपये में बेचा उसने और खरीदा था 4000 रुपये में, तो उसका लाभ हो गया हमारे पास यहाँ पे 600 रुपये का उसे लाभ हुआ। इस तरह से सीधा ही हमें पता चल गया लाभ हो गया उसके 600 रुपये। अब यहाँ हमें लेना है 4000 रुपये, क्योंकि शुरू में उसका क्या था, क्रय मूल्य था उसके लिए 4000 रुपये था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 रुपये, ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पे 600 रुपये और गुणा लिख देंगे हम 100। अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, इसका प्रतिशत आप निकालोगे तो आपके पास 15% आ जाएगा, क्योंकि देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो चला जाएगा, ये हो गया तो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 15 60 के अंदर 4 का भाग दोगे 15 बार जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार ये क्वेश्चन संख्या ये राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है और आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपये में बेच दी, साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा, तो रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। अब रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी, तो अब यहाँ पे रवि के लिए आया है साइकिल कितने रुपए में खरीदी, यानी उसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य का क्या लिख दीजिएगा, सूत्र लिख दीजिएगा, क्रय मूल्य का सूत्र होता है यहाँ पे 100 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए हानि हुई है तो मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस हानि और बराबर गुणा में लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100। अब देखिए लिख दीजिएगा इस फॉर्मूले में 100 और 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी मैं इस प्रकार से लिख दूंगा इसको, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे क्रम विक्रम मूल्य लिखना था मुझे, मैंने दो बार लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अपने विक्रम मूल्य लिख दूंगा, हमारे पास क्या था 1170 था वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा 100 गुणा 1170 बट्टे 90, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। या आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको चूंकि इसलिए वो आपने सुना होगा उस हिसाब से करना, बता देता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन को। देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है क्रय मूल्य, और जिस चीज़ को निकालना होता है आपके पास दो दो और है, एक तो आपका ये छोर है और एक आपका ये छोर है, जो चीज़ आपको निकालनी होती है उस चीज़ को आपको इस तरफ रखना है और जो चीज़ दी हुई होती है वो आपको इस तरफ निकाल रखनी है। तो यहाँ आपको देखिए क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमेशा आपको 100 रुपये मानना है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना था, उसको 10% की हानि हुई थी,
तो इसका मतलब विक्रम मूल्य उसने 10% हानि पे, यानी 100 में से 10 निकाल देंगे, कितना बचा, 90 रुपये में उसने बेचा था उस चीज को। अब अगर ये 1 रुपया होता तो, अगर ये 1 रुपया होता तो मैं क्या करता, इस 100 के अंदर 90 का भाग दे देता। और अगर मान लीजिए अब यही इसी को कितने रुपए में बेच रहा है, 1170 रुपये में बेच रहा है, तो इससे हमें क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है, वापस वही आ जाएगा। और देख लीजिए आप, इस 0 से ये 0 चला गया, इसका भाग इसमें 13 बार चला जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 1300 रुपये हो जाएंगे। ये दोनों मैंने ट्रिक बताई है, ये ट्रिक उसके लिए बताई है जो सूत्र भूल जाते हैं, कई बार ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि विक्रय मूल्य नीचे आएगा, ये 100 माइनस हानि वो नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ऐसा हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में। तो आपको ये चीज अपना लेनी है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मीना ने एक साड़ी है वो 2442 में खरीदी, घर आकर उसने महसूस किया कि साड़ी की वांछित लंबाई से आधा मीटर छोटी है, इस धोखाधड़ी में 2220 रुपये की हानि हुई, तो इसे वास्तविक मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं वही वापस, हमारा हमें निकालनी है साड़ी की वास्तविक लंबाई, तो साड़ी की वास्तविक लंबाई में इस और लिख लेता हूँ, और ये जो है इस तरफ मैं लिख लेता हूं हमारे मूल्य, मूल्य हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले दिया हुआ है आधा मीटर, आधा मीटर साड़ी है उसका मूल्य कितना दिया हुआ है, 222 रुपये, क्योंकि 222 रुपये का वो ठगी हुई उनके, वो कितनी छोटी दी थी, आधा मीटर, यानी आधा मीटर साड़ी के लिए कितने रुपये, 220 रुपये, तो यानी मैं कह सकता हूं कि 220 रुपये है वो कितने हैं, आधा मीटर साड़ी के हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं 1 रुपये में कितनी साड़ी आएगी, तो 1 रुपये की साड़ी के लिए मैं क्या कर देता हूं, 1/2 इसका इसके अंदर भाग दे देता हूं। हमें दूसरे प्रोसेस में हमेशा, क्योंकि इसलिए मैं हम यही तो कर रहे हैं, 1 का मान निकालने, इसका मतलब हमें इसमें भाग देना है। अब हमें कहते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2442 रुपये, तो हम देखते हैं 2442 रुपये में कितना आएगा, और तीसरे प्रोसेस के अंदर हम ये करते हैं कि इसको हम इससे गुणा कर देते हैं, यानी मैं क्या लिख दूंगा, 2442 बट्टे में लिख दूंगा मैं 2 × 222। अब देखिए ये हो जाएंगे 444, और 444 का इसके अंदर आप भाग दोगे तो आपके पास आएगा 5.5। अब पूछा है हमें इसकी वास्तविक लंबाई क्या है। अब देखिए दुकानदार ने उसके साथ ठगी की, आधा मीटर उसको क्या दे दिया, छोटा दे दिया, यानी मैं कह दूंगा कि 5.5 में से मैंने माइनस कर दिया है 0.5 पे, यानी आधा मीटर मैंने इसे, तो ये 5 मीटर वास्तविक में लंबी है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास आधा मीटर का दिया हुआ था 222 रुपये। अब देखिए 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा इसका दुगुना, आधा का ये है तो इसका, तो आपके पास 1 मीटर साड़ी आ रही है वो 444 रुपये में, तो आपके पास 2442 रुपये में कितनी आएगी, 2442 में, तो आप इसमें इसका भाग दे देते, सीधा ही कर सकते थे आप इसको, ऐसा भी, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, रमेश ने अलमारी 8000 रुपये में खरीदी, उसे 6% लाभ पर बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहला मैं आपको सूत्र से नहीं बताऊंगा, सूत्र से आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं चूंकि, इसलिए क्योंकि मैंने सूत्र आपको बता दिए हैं, आप सूत्र में सीधे मान रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। मैं आपको एक पहला तरीका है वो बता देता हूं। देखिए हमें निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो मैंने इस तरफ लिख दिया विक्रय मूल्य, एक तरह से आपको पता रहे, इस तरफ मैंने लिख दिया क्रय मूल्य, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 रुपये है, अगर क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, अब ये लाभ पे बेच रहा है 6% लाभ पे, तो यानी कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 106, लाभ पे बेच रहा है इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, अगर हानि पे होता तो मैं घटाता 100 में से। अब अगर ये 1 रुपये हो तो हमें क्या करना होता है, दोबारा में भाग देना होता है, 106 में मैंने 100 का भाग लगा दिया। इसी प्रकार मान लीजिए ये कह रहा है 8000 में बेच रहे हैं, 8000 में 106 बट्टे 100 गुणा 8000,
ये हो जाएगा आपका क्वेश्चंस, और इसका आंसर आपके पास इस प्रकार से है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, या आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दूसरे तरीके से भी आप करेंगे तो उसके अंदर भी आ जाएगा आपके पास, तो दूसरा तरीका भी आप अपना अपना के देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो भी साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे मेरा आगे आने वाला आपको वीडियो मिल जाए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।